पर ऑब्जेक्शन करेंगे, सारा प्रोसेस किस तरीके से करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का री एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि यहां पर जो है कल ही एक ऑफिशियली जो है नोटिस जारी कर दिया गया था यूपी पुलिस की तरफ से, जैसा कि इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है आप लोगों की जो आंसर की है वो किस डेट के वालों की किस डेट को यहाँ पर जारी होगी। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसा कि देख पा रहे हो कि ये पूरा जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है कि यहाँ पर जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 23 तारीख को हुआ था, ठीक है, उसमें पहली और सेकेंड शिफ्ट दोनों को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन 11 तारीख से लेकर आज से लेकर आप जो है 15 तारीख रात के 12 बजे तक जो है कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो 24 तारीख वालों के लिए 12 तारीख को जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा। वहीं उसी अकॉर्डिंग 25 तारीख वालों के लिए 13 तारीख को, और जिन लोगों का एग्ज़ाम 30 को हुआ था उनके लिए यहाँ पर 14 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगा, और 31 वालों के लिए यहाँ पर जो है आपका 15 तारीख को होगा ये 19 तक, यानी आप 11 से लेके 19 तक जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इन्होंने सारी जानकारी दे दी है किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का ऑब्जेक्शन करना है, क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी समझते हैं, कैसे आप आंसर की चेक करेंगे, कैसे आप जो है यहाँ पर अपना जो आपत्ति है वो दर्ज यहाँ पर आपको करवाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है गूगल में और सर्च कर लेना है आप लोगों को UPPRPB, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ तरीके की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड करके यहाँ पर आपको दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने लॉगिन सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को आपके पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे आंसर की देखने के लिए, और सबसे पहले अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे की डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को सही सही जो है फिलअप करनी है ना, जैसा कि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्या है, उसी अकॉर्डिंग जो है मंथ, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर ईयर भी जो है सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर आप अपनी डिटेल से डालने के बाद आपको दाखिल करना है, साइन इन आपको कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, देख पा रहे होगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है आ चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका नाम और आपके पंजीकरण संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, साइड में एक कॉलम आपको दिया हुआ है जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्लिप और जो है यहाँ पर लॉगआउट। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है पेज। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन वाले इसमें ही आपको आपकी जो आंसर की है या फिर आपके सारे जो क्वेश्चन है 150 जो आपके क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो अलग से जो है आपको आंसर की देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न जो है पुस्तिका संख्या, देखिए आपकी जो OMR सीट थी उसकी संख्या यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करनी है, ठीक है, वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रश्न पुस्तिका की जो संख्या है वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चंस जो बुक लिस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है वही नंबर यहाँ पर दोबारा डाल के, वो डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा फिलअप कर देना है जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सही कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, उसी तरीके से नंबरिंग अगर है तो यहाँ पर वो देंगे यहाँ पर आप, ठीक है। ये डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर दाखिल करने पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने अगला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है सारे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ से आप लोगों को पूरे 150 प्रश्न दिए हैं। उसमें यहाँ पर जो है आपत्ति, आपको किस प्रकार की आपत्ति लगाना है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका जो उत्तर है वो भी यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप लोगों को आपत्ति लिखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उससे जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आप लोगों को या प्रूफ के रूप में आपको जो है यहां पर अपलोड करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सारी जो यहां पर जितने भी प्रश्न हैं वो यहां पर देख सकते हैं, उसका जो उत्तर है वो क्या है वो यहां पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहां से आप अपने आंसर की का जो मिलान कर सकते हैं, आपने क्या प्रश्न का उत्तर दिया है, यहां पर क्या जो है उसका उत्तर दिया है वो यहां पर आप देख के जो है अपने नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपके नंबर क्या आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि अभी जो आंसर की आई है वो सिर्फ
जो 11 तारीख वाले स्टूडेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जिनका एग्जाम 23 को हुआ है उन्हीं के लिए अभी आया हुआ है, ठीक है, और फिर दूसरे 24 वालों के लिए कल आ जाएगा, ठीक है, 25 वालों के लिए 13 को आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है अपने डेट के, एग्जाम डेट के अनुसार जो है यहाँ पर अपनी डेट देख सकते हैं कि आप अपने आंसर की और ऑब्जेक्शन कब कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप डायरेक्टली अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।